तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का कैसे पता करें कि ये किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद से दूसरी चीज़ है कि ये मटेरियल जो है वैसे अगर रखा गया हो तो हम कैसे इसका प्रॉपर्टी से पता कर लेंगे कि ये LD है, HD है, PP है। और तीसरा टॉपिक ये है कि ये जो रिसाइकलिंग है, ये रिसाइकलिंग का क्वालिटी क्या है, कैसे पता करेंगे। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ गोविंद और आज अपने रूम को मैं एक मिनी लैब बना के रखा हूँ और हर एक प्रोडक्ट को इकट्ठा करके रखा हूँ ताकि हम आज जान सकें कि जो भी प्रोडक्ट है वो किस मटेरियल से बना है, हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो किस मटेरियल से बना हुआ है इसको हम कैसे पता करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं बस एक पानी का यूज करूँगा और एक गैस का यूज करूँगा, उसके सिवा मैं किसी चीज़ का यूज नहीं करूँगा। और एक PVC का जो चेक करने के लिए प्लाय का यूज करूँगा जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मैं पूरा क्वालिटी बताने वाला हूँ कि हर एक मटेरियल का क्वालिटी कैसे पता कर लेंगे। जैसे देखिए रिसाइकलिंग है, इसका कैसे क्वालिटी हमें पता चलेगा कि ये मशीन में चलने लायक है कि नहीं चलने लायक है, ठीक है। और जो हमारा वर्जिन मटेरियल आता है, ठीक है, तो इसका क्या क्वालिटी है, ये हमारी ज़रूरत का है कि नहीं है, इसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। और जो रेजिन है, जो PVC का रेजिन है, वो रेजिन सही है कि नहीं है, उसको हम कैसे जानेंगे, ठीक है। और इसका भी रिसाइकलिंग होता है, ये रिसाइकलिंग कितना हद तक सही है, ये हम तो प्लायर से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाटर टेस्ट करते हैं, ठीक है। वाटर में कितना टेस्ट किया जा सकता है, क्या क्या फाइंड किया जा सकता है, उसको हम जानते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट है अपने पास, जो भी ये प्रोडक्ट है, इन सभी का कैसे हम चेक करेंगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले जो ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हमें क्या है कि एक थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो थोड़ा सा ये ठोस अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया, इसके लिए बहुत बड़ा वाटर का बहुत बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से जैसे देखिए, मान लीजिए कुछ इसको गर्म करेंगे तो थोड़ा सा ठोस हो जाएगा। चलिए इसको हम मान लेते हैं कि यह एक ठोस अवस्था में है, ठीक है, यह एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट को हम वाटर में डाल देंगे, ठीक है। तो एक चीज़ और पहले जान लीजिए, जो भी पॉलीओलिफिन्स ग्रुप में आता है, LL, LD, HD और PP, ठीक है, इन सभी का डेंसिटी एक से कम होता है और वाटर का डेंसिटी एक होता है, ठीक है। तो सिंपल बात है कि जब डेंसिटी एक से कम है तो ये वाटर के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इससे यह फाइंड हो जाएगा कि ये ना PS है, ना PS है, ना HIPS है, ना SAN है, ना ABS है, ठीक है। इससे यह चीज़ फाइंड हो गया, ना ही वे PVC है, PVC का भी डेंसिटी एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो भी इसमें सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ये फाइंड हो गया कि ये तीन चार मटेरियल में से ही कोई मटेरियल है, या PP, HD, LL या LD, ठीक है। तो अब इसको जानना है कि यह LL है कि यह LD है या PP है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एल्कोहल का जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अपने मतलब बिना लैब का टेस्टिंग में बता रहा हूँ, ठीक है, बिना लैब वाले लोग कर लें, ठीक है। तो एल्कोहल में अगर ये HD रहेगा, ठीक है, यह HD है, तो एल्कोहल में ये तुरंत डूब जाएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे फाइंड हो जाएगा तुरंत कि ये HD है, ठीक है, HD है तो एल्कोहल में तुरंत डूब जाएगा, ठीक है। अगर ये LD है, PP है, तो फ्लो करेगा, ठीक है, वो एल्कोहल में नहीं डूबने वाला है, ठीक है। तो अभी यह फाइंड हो गया कि यह HD है, ठीक है। अगर एल्कोहल में भी यह डूब गया तो ये समझिए कि या तो ये PP है, या तो LL है, या LD है, ठीक है। अब ये तीन मटेरियल बच गया। अब एक चीज़ और देखिए, वो अगर यह LL है, LD है, या PP है, तब तो ये फ्लो करेगा, ठीक है। तो यह फ्लो करेगा, अब ये तीन मटेरियल आ गया। अब देखिए, अब अगर यह LD है, ठीक है, तो यह जो LL या LD है, तो जो ऑयल होता है अपना वेजिटेबल ऑयल, उस ऑयल में अगर इसको हम डालेंगे, ठीक है, सिंक कर जाएगा, ठीक है, यह फ्लोट नहीं होगा, यह सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो इससे यह फाइंड हो जाएगा कि यह LD है, ठीक है, यह PP नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से मैं एक लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊँगा, ठीक है। अभी इसको मैं जला के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि यह जलाने से कैसे हमको पता चलेगा। इन सभी को ले के चलते हैं और जलाते हैं और उससे हम फाइंड करते हैं
कि उससे क्या रिजल्ट आता है, उससे हम क्या पहचान पाएंगे। ठीक है, ये सब है ना, ये देखिए, ये आपका HD है। ठीक है, HD यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखिए यह फ्लो करेगा। ठीक है, ये LD ये भी फ्लो करेगा, ये भी फ्लो करेगा। ठीक है, ये आपका LL भी फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि इन सभी का डेंसिटी एक से कम है। ठीक है, इस वजह से ये फ्लो करेंगे। ARP भी डाल रहा हूँ, ARP भी ये भी फ्लो करेगा, क्योंकि इसका भी डेंसिटी एक से कम है। ठीक है, चलिए अब एक PVC भी डाल देते हैं। ठीक है, ये PVC है। ठीक है, अब ये PVC मैं डाल रहा हूँ, देखिएगा। देखिए तुरंत नीचे चला गया। ठीक है, ये देखिए, ये है देखिए, तुरंत नीचे जाकर बैठ गया। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि इसका डेंसिटी एक से ज़्यादा है। ठीक है, और मैं जलाने से पहले एक बार और मैं बता रहा हूँ कि यह जो है ARP जो है, इसका क्वालिटी एक ऐसे भी चेक हो जाएगा कि यहाँ पे डालने पे अगर डूब रहा है तो ये समझिए कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, नहीं डूब रहा है तो समझिए कि अभी कुछ चलने लायक है, और एक दो टेस्ट करके पता चल जाएगा कि किस हद तक चलेगा। ठीक है, तो यह चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और ये प्लायर टेस्ट भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये है PVC का पाइप। ठीक है, ये PVC का पाइप है। ठीक है, यह पाइप है, तो ये प्लास ऐसे दबा के, ठीक है, ऐसे ही मार्केट में भी चेक हो रहा है आजकल। ठीक है, तो ऐसे इसको तोड़ा जाता है, ऐसे इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, अगर ऐसे टूट जा रहा है, ठीक है, ऐसे टूट गया तो यह क्वालिटी सही नहीं है। ठीक है, अगर ये टूटा नहीं, बस ऐसे मुड़ गया ऐसे, तो ये क्वालिटी सही है। ठीक है, एक ऐसे ऐसे होगा ऐसे, तो ये क्वालिटी सही है। अब पूरा पूरा तरह से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे मोड़ने पे खटाक से टूट गया तो ये क्वालिटी सही नहीं है। ठीक है, और आप इसका RP भी अगर यूज करें तो ऐसे ही चेक करके आप यूज कर सकते हैं कि RP सही है कि नहीं है। आप भी एक बार प्लाई लीजिए और ऐसे कीजिए, अगर ऐसे मोड़ रहा है तो समझिए सही है। ठीक है, और ऐसे मोड़ने पर खटाक से टूट गया तो सही नहीं है। अभी जैसे देखिए, मानिए यहाँ पे ऐसे पकड़ के अगर दबाएंगे तो इतना पता नहीं चल पाएगा अच्छे से, लेकिन एक जगह हल्का सा काट लेंगे और उसके बाद से ऐसे करेंगे तो पूरा डीपली अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्वालिटी क्या है। ठीक है, इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। ठीक है, ऐसे आपका ऐसे ही मार्केट में प्लायर टेस्ट होता है। ठीक है, तो कोई भी पाइप जाता है तो अभी मार्केट में ऐसा चलन चल रहा है कि कोई भी ऐसे दबा के देख रहा है कि पाइप का क्वालिटी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम चलते हैं, आप ही इसको भी जलाएंगे और जितना भी मटेरियल है सभी को जला के हम दिखाएंगे कि उसका फ्लेम क्या है, उसका सुगंध क्या है, वो बताएंगे आपको। उससे आपको कैसे जानकारी ले पाएंगे कि उसको उसका क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम PVC पाइप को रखते हैं। ठीक है, और इसका कुछ अजीब सा प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको, देखिए आग पे रखने पे इसका जो फ्लेम है वो ब्लू और ऑरेंज कलर का रहता है। ठीक है, और ये इसको आग के कंटेक्ट में जब तक रखेंगे तब तक इसमें आग लगेगा, और इसके वो आग के कंटेक्ट से हटाएंगे तो ये तुरंत बुझ जाएगा। देखिए, और इसी प्रॉपर्टीज की वजह से इसको हम इलेक्ट्रिक में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केबल के लिए, इलेक्ट्रिक वायर के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये PVC है। ठीक है, ये PVC का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, जब तक इसको आग में रखेंगे आग में बहुत तेज जलेगा, जैसे ही हटाएंगे तुरंत बुझ जाएगा। ये सेल्फ एक्सटिंग्यूश का इसका प्रॉपर्टीज है। और इसका स्मेल जो आता है वो है क्लोरीन स्मेल आता है, पिगमेंट का जो स्मेल होता है पिगमेंट का वैसा स्मेल आता है, तो इससे हम तुरंत जान जाएंगे कि ये PVC का मटेरियल है। ठीक है, PVC का केबल भी जलता है तो ऐसा ही मतलब स्मेल से ही पता चल जाएगा, और ये ऑरेंज और ब्लू कलर का इसका फ्लेम निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद से अभी हम पॉलीओलिफिन्स ग्रुप का जो है उसको जला देते हैं। ये देखिए, ये एक बार पकड़ लेगा तो ये जलता ही रहेगा। ठीक है, और ऐसे ड्रिप होता रहेगा।
ठीक है, इसका ये प्रॉपर्टीज है। और ये जो ड्रिप हो रहा है ये एस ए एन मटेरियल, ये एच आई पी एस मटेरियल और ये आपका ए बी एस मटेरियल, ये ड्रिप नहीं होता है, बस ऐसे जलता रहता है, सॉफ्ट हो जाता है लेकिन ऐसे ड्रिप नहीं करता है। ठीक है, देखिए अगर ये पी पी का रहता ना, ये पी पी का रहता तो इसका जो होता है ब्लू बेस और येल्लो टिप। देखो ये पी पी का है इसलिए ऐसा है, ब्लू बेस येल्लो टिप। ब्लू बेस मतलब जहाँ से जलना स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है और ऊपर येल्लो टिप आ रहा है, मतलब क्या है कि ये पी पी है या एच डी है या एल डी है। ठीक है, और बस स्मेल से फर्क पता करेंगे कि जैसे इसका जो स्मेल है वो स्मेल है आपका ऑयल के जैसा, लुब्रिकेंट जो ऑयल है अगर वैसा स्मेल है तो ये पी पी का है। अगर आपका स्मेल मोमबत्ती के जैसा है, वैक्सी स्मेल है, तो उसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मटेरियल है वो एच डी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी मटेरियल हम डाल देते हैं, कोई भी ये एच डी है। ठीक है, ये इसका भी ब्लू बेस होगा, येल्लो टिप होगा। ठीक है, देखिए ब्लू बेस येल्लो टिप, मतलब येल्लो ऊपर साइड में और ब्लू डाउन साइड में, ऐसे ही रहेगा और ये ड्रिपिंग करता रहेगा। अगर ये एच आई पी एस ए बी एस रहता तो ये ड्रिप नहीं करता। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई भी पॉलीओलिफिन्स ग्रुप का कोई भी मटेरियल में ऐसे डालेंगे तो उसका यही आएगा, लेकिन जो स्मेल है वो अंतर होगा। स्मेल क्या होगा कि जो अगर एच डी का है तो उसके लिए स्मेल वैक्सी मोमबत्ती के जैसा स्मेल आएगा, और अगर यह पी पी है तो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होता है उसका स्मेल आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि काफ़ी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा आपके, और कुछ और भी जानना चाहते हैं, कुछ और मटेरियल्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या इसी के बारे में और डीपली जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो एक मैं ट्रिक की बात किया था तो वो ट्रिक क्या है कि आप डेंसिटी निकालना जान जाइए। ठीक है, जो डेंसिटी निकाल लेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि आप जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं या जो मटेरियल मार्केट से लाए हैं वो मटेरियल कैसा है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी से आपको आप मटेरियल भी फाइंड कर लेंगे कि एच डी है एल डी है, और यह भी फाइंड कर लेंगे कि उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, कैसे फाइंड होगा, जैसे कि जो भी मटेरियल का न्यू मटेरियल का जो डेंसिटी होता है उससे अगर ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एल डी का डेंसिटी है 0.91 और उसका डेंसिटी आ रहा है 0.92, चलिए चलने लायक है 0.94, 0.95, 0.96 आ रहा है, तो समझिए उसमें बहुत ज़्यादा कचरा डाला गया है, बहुत ही ज़्यादा कचरा मटेरियल हो गया है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हुआ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स करके और क्या चीज़ बताना चाहिए उसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइए आप।